माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस स्टडी कर रहे थे और तीन सेक्शन कंप्लीट भी हो गए हमारे। जो लास्ट पार्ट बनता है वो ये है कि आप लोगों को डायमेंशंस पता करने हैं किसी कांस्टेंट के। एक बात बच्चों डाउट आपका पहले क्लियर कर दूं, डायमेंशन हम किसी कांस्टेंट का क्लियर कर रहे हैं, मतलब वो जो कांस्टेंट होगा उसके पास डायमेंशन या वो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगा। और जस्ट थर्ड सेक्शन की बात करूं मैं, तो एक क्वांटिटी को अपन डिपेंडेंट करवा रहे थे बच्चों कई सारे क्वांटिटीज से। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिखा था और सर पे इनके ए बी और सी लिखा था, कुछ याद आ रहा हो आपको। नेक्स्ट लाइन में उस क्वांटिटी को आप लोग स्मॉल वाला के लिखते थे, एक्स टू पावर ए, वाई टू पावर बी और जेड टू पावर सी। बच्चों यहाँ पे जो के दिख रहा है ना, ये डायमेंशन, ठीक है, इसके पास कोई डायमेंशन लेस है ना, ये कोई डायमेंशन नहीं कैरी करता। सो डोंट मिक्स दिस टॉपिक विद द करंट वन। ये टॉपिक कुछ ऐसा आएगा बच्चों, जैसे मान लो फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल का, आपको पढ़ाया जाएगा अभी, वो हो जाता है दो बॉडीज के बीच में, न्यूटन ने दिया था, क्लास 9 से पढ़कर आए हो आप लोग। यहाँ हो जाएगा एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड इफ आई विश टू कैलकुलेट दिस डायमेंशन द वैल्यू ऑफ दिस इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और न्यू इसकी टर्म्स अगर भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लॉजिक है वो समझ लो। इस इंसान का डायमेंशन पता किया जा सकता है। सिमिलरली ट्वेल्थ में आओगे बच्चों तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाएगा और के हो जाएगा बच्चों वहाँ पर के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। डोंट वरी, याद नहीं करना आप लोगों को। ये हो जाता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। लॉजिक देखो, थर्ड पॉइंट सर ने पढ़ाया था तो वहाँ पर ये कॉन्स्टेंट किया आया था, तो वो बच्चों को डायमेंशन लेस होता है। इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दो तो अपने लिए बेनिफिट है। यू विल बी प्रोवाइडेड विथ मेनी न्यूमेरिकल इक्वेशंस और फिजिकल इक्वेशंस, जहाँ बोलेगा भैया कॉन्स्टेंट निकाल कर बताओ। तो ये दोनों तो आप लोगों को नोन है, इन दोनों की बात तो अगर मैं करूँ तो ये जो के लिखा है बच्चों, ये जो जी लिखा है, ये तो नोन है। देयर कैन बी इक्वेशंस, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बच्चों कि वेलोसिटी दे देगा वपन को ए टी प्लस, यहाँ बोल देगा एक्स डिवाइड बाय बी माइनस टी, ऐसा कुछ कर देगा कुछ भी, तो उससे ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। बोलेगा कि भैया टी यहाँ पर टाइम है और एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है, कह देगा टी इक्वल्स यहाँ पर क्या है बच्चों, टाइम है, और एक्स इक्वल्स क्या है, डिस्टेंस का टर्म है, ठीक है। और फिर बोलेगा बताइए ए के क्या डायमेंशन होंगे और बी के क्या डायमेंशन होंगे। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को, किसी अननोन रैंडम क्वेश्चन को अपीयर करने के लिए दो लॉ चलते हैं। दो लॉ क्या चलते हैं वो मैं फटाफट लिख के देता हूँ, आप उन्हीं के हिसाब से सारा क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ये हो जाता है बच्चों रूल नंबर वन इन ऑर्डर टू जस्टिफाइंग योर स्टेटमेंट। क्या होता है बच्चों, जब भी आपको ये सिंबल दिखे, ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, इसका मतलब होगा डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। इट डू नॉट चेंज डायमेंशंस। ये अगर बात समझ गए तो पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, बिकॉज इन बिटवीन द क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्लस माइनस मिल जाएगा, वहाँ पर हल्ला करोगे यार सर ने डायमेंशन नहीं बदले यार। तो वो रहा बच्चों फर्स्ट रूल, ध्यान रखें रूल नंबर वन, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीधे सीधे शब्दों में रूल नंबर टू। ये कहता है अगर कभी मल्टीप्लाई पढ़ रहा हो या डिवाइड पढ़ रहा हो, मतलब कोई फॉर्मूला न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में पढ़ा हो, उस केस में दे आर गोइंग टू चेंज योर डायमेंशन। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन वो आज के टॉपिक से निकाल के बताई थी। इस पूरे पेज को देखोगे ना तो एक बात सामने आती है, ये पूरा टॉपिक ना बच्चों वही घुमा फिरा के होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ही आंसर है। सो यू कैन से दैट दिस इज बेस्ड अपॉन, दिस इज, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो यहाँ तक का तो आपके पास नोन फॉर्मूला था, ये वाले फॉर्मूले तक तो नोन था, मैं मानता हूँ नोन फॉर्मूला होगा तो तड़ातड़ आंसर आएंगे अपने। व्हाट विल हैपन ऐसा कुछ मिल जाए, व्हाट विल हैपन अगर मैं फोर्स के बारे में ही कुछ क्वेश्चन में रख दूँ, फोर्स इक्वल्स टू मान लो लेट अस से ए लिखा है ए टी स्क्वायर कर दिया और रूट टू मैंने बी एक्स का क्यूब कर दिया, तब क्या करोगे, वो छोड़ दो क्वेश्चन करना सॉल्व, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दो, नहीं दोगे ना, टाइम यहाँ पे टी है, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस से उसको फोर्स से कंपेयर करना होगा। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रख लेना जितने भी टर्म्स लिखे जा रहे हैं, मतलब ये टर्म और ये टर्म, ये सारे के सारे टर्म अपने अपने आप में स्टैंडर्ड डायमेंशंस कैरी करेंगे।
वेट अ मोमेंट, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन तो ये आ गया, लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे तो एफ के आसपास ब्रैकेट लगाना, इसका मतलब डायमेंशन चेंज नहीं हुए हैं, और सेकेंड टर्म को पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना, फिर बाद में जाके रूट टू बी एक्स का क्यूब का स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना, इसके बाद सॉल्व करना बच्चों, आपको ए और बी आसानी से मिल जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो मैं अभी ये रब करूँगा और आपको कई सारे क्वेश्चंस करवा के दूंगा, देन यू विल गेट टू नो कि सर किन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ही बच्चों, वो वाले कॉन्स्टेंट्स जिनके डायमेंशंस फाइंड होंगे। कुछ तो नोन होंगे और कुछ अननोन होंगे, अननोन वाले पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन ना रैंडमाइज करके पूछा जाता है, रैंडम से कोई क्वेश्चन लगा देगा और आपसे आपको कंसेप्ट बिल्ड करने को बोलेगा। तो बस दो बातें याद रखेंगे अपन, ये और ये, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ओके, तो फटाफट नोट कर लो, वीडियो पॉज करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, एंड देन आई टीच यू एंड देन आई गिव यू क्वेश्चंस, उसको ट्राई करेंगे अपन। ऑलराइट बच्चों, तो नोट कर लो, ऑलराइट बच्चों, लेट अस डिराइव सम डायमेंशंस फॉर दीज कॉन्स्टेंट, और एंड दीज कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो हैपन्स टू हैव सम काइंड ऑफ डायमेंशंस। हमेशा कांस्टेंट का मतलब डायमेंशन लेस ही नहीं होता है, दे आर डायमेंशनल कांस्टेंट। तो आप इसको एच से देखते हो बच्चों, अभी केमिस्ट्री में चैप्टर वन शुरू होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल बता दिया जाएगा। एक फॉर्मूले के अंदर बच्चों ये आता है, जिसको कहते हैं ई बराबर एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड दिस इज हैपन्स टू बी एनर्जी। इस H का जो टर्म होता है बच्चों, वो होता है 6.626 इंटू 10^-34 जूल्स सेकेंड। मुझे ना नंबर में मतलब है, ना मुझे और किस चीज़ में यहाँ पे इंटरेस्ट है, आप बस समझो कि सर ये फॉर्मूला आपने बता दिया, बहुत कर दिया, आराम से अपन H के टर्म को निकाल सकते हैं। देखो क्या करोगे आप लोग, आप यहाँ से अगर H फाइंड करने जाते हो तो दिस H विल बिकम योर डायमेंशंस फॉर एनर्जी एंड न्यू, इसको अलग अलग कर लो, ये दोनों बेसिक डायमेंशंस की कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चों, जो मैंने याद करने को बोला है आपको, ML2T-2, और इसका मतलब होता है टाइम का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा टाइम का इन्वर्स। इस टर्म को बच्चों ऊपर लेके जाकर तो +1 का हो जाएगा, और एच के डायमेंशंस एक ही लाइन में मिल गए अपन को, ये हो जाएगा M1L2, ये -2 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1, बॉक्स में डाल दो, और इस तरह आपने डायमेंशंस कंपेयर करा के अपने एक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन निकाल लिया। हम क्या करते हैं, डायमेंशन को कंपेयर कराते हैं, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सिमिलरली अगर बात करूं, इसका ही मतलब होता है लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन को मैच कर रहे होंगे, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा हल्ला नहीं करना अपन को। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, आप यहाँ पे बॉक्स बना लो, यहाँ बॉक्स बना लो, और यहाँ बॉक्स बना लो, ये लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, हो गया वो इक्वल। सिमिलरली बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो ये के ना बहुत सारे फॉर्मूले से मिलता है अपन लोगों को, एंड दिस फॉर्मूला एंड वन ऑफ द फॉर्मूला इज ये, से ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का टर्म आ जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं आर डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। बट एक और फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, और भी सिंपल, कि एनर्जी, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी और दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। आप बोल सकते हो सर ये 1/2 kB टाइम्स ऑफ थीटा होता है, यहाँ पे थीटा कोई एंगल वेंगल नहीं होता है, इसको अपन टेम्परेचर भी बोलते हैं, या इसको ऐसा याद कर लो, 1/2 लिखा है, kB लिखा है, और यहाँ पे T लिखा है, यहाँ पर E लिखा है, फिर बड़े बड़े शब्दों में लिख देना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट साइड को मैच करेंगे। सो इन ऑर्डर टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ डायमेंशंस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको पूरे एंड्स को ये कर देता हूँ, तो ये क्रॉस तो नहीं पढ़ा जाएगा बच्चों, और आपके kB के डायमेंशन आ जाएंगे सीधे सीधे शब्दों में, एनर्जी के डायमेंशन डिवाइड बाय टेम्परेचर के डायमेंशन, विच हैपन्स टू बी ML2T-2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा K, इसको ऊपर भेज दो बच्चों, आपके पास kB का डायमेंशन भी निकला है, ये हो जाएंगे ML2T-2 और K हो जाएगा -1, दिस इज आर आंसर। इतना इजी होता है डायमेंशन कंपेयर कराना, इस बस एक लाइन लिखनी होती है आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, मैं भी लिख देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है बच्चों, यू कैन राइट इट लाइक दिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस,
बट एज अ टीचर एज अ मेंटर मैं हमेशा बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली. बच्चों ये याद करके रखो, आपकी जो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं ना वो के बी डॉट टी के डायमेंशंस के बराबर होंगे. दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मच मोर प्रॉब्लम देन दिस. आपको एक लाइन एक्सरसाइज इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मिल जाएगा. जहाँ बोल्समैन कॉन्सेंट होगा ना, ध्यान देना उसके साइड में ऊपर या डिनोमीटर में एक ना एक टेम्परेचर का टर्म ज़रूर मिलेगा ताकि वो कैंसिलेशन करवा सके. इतना भारी भरकम लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं इसको ध्यान देने की. भैया एनर्जी के डायमेंशन होते हैं के बी टाइम्स टेम्परेचर, दैट्स ऑल. दैट टी इज डिनोटिंग टेम्परेचर. किसी किसी बुक में थीटा भी हो सकता है. ये वो एनर्जी होती है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रल एमिशंस के फॉर्म में बताई जाती है. आपको थर्मल चैप्टर में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. और ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है जहाँ से मैंने आपको एच लिख कर दिया. अब ये दोनों थियोरेटिकली भी बनते हैं, फिजिकली भी बनते हैं, और डायमेंशनली आप इसको निकाल सकते हो. एग्जाम में कई बार ऐसा होता है बच्चों, आपको जनरल से कोई इक्वेशन पटक देगा और बोलेगा इसका ए निकाल भाई, इसका बी निकाल भाई, इसका सी निकाल. तब क्या करना है बच्चों वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. तो इसको रब कर देता हूँ फटाफट और आप लोग अपन आगे बढ़ते हैं. नोट कर लो, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो. ऑल राइट बच्चों, एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में एक कोई भी इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में पूछा जा सकता है. हमसे कहता है क्वेश्चन ए और बी के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके बताइए अगर ये एक एक्सप्रेशन है. तो ये कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जैसे अभी अपन ने एच को सीखा था थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट को सीखा था बच्चों, तो ये उसके हिसाब से तो नहीं है. ये कोई भी बच्चों आपका एक एप्लीकेशन नंबर 4 आपका जज करा रहा है हमसे. तो कहता है हमसे क्वेश्चन जो p का टर्म है बच्चों वो बराबर आ रहा है b माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू टी, ठीक है. इसको यहीं पे अगर पढ़ेंगे तो बोल सकते हो सर p स्टैंड्स फॉर पावर, x यहाँ पे डिस्टेंस है और t यहाँ पर टाइम है. सबसे पहली बात इस माइनस साइन को देखो और प्यारे बच्चों रूल नंबर 1 को अप्लाई करो, प्लस माइनस ये क्या डायमेंशन बदलेंगे. और एक बात बताओ, क्या आप डिस्टेंस में से क्या मास को माइनस करोगे या टाइम को माइनस करोगे. डिस्टेंस की टर्म से डिस्टेंस ही माइनस होगा ना, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. और सॉल्यूशन की लाइन में पहली बात आप लिखोगे कि बी के जो डायमेंशंस होंगे वो एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस होंगे. एक्स वहाँ पे डिस्टेंस है तो एक्स का स्क्वायर मतलब हो जाएगा एल टू. ये आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आपने एक को तो सॉल्व कर लिया है. अब बच्चों आपके पास जो AT को सॉल्व करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना है. अगर मैं बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन में डायमेंशंस को लगा दूं और फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट में बात करूं तो जो भी पावर के डायमेंशंस होंगे ना, ये ऊपर b लिखूं या एक्स स्क्वायर लिखूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे बच्चों x का स्क्वायर का ब्रैकेट लगाया जा सकता है और यहाँ पे AT का ब्रैकेट लगाया जा सकता है. विच मीन्स अगर कोई बच्चा बोले भाई बता क्या होंगे एक के डायमेंशन, तो आप बोलोगे ना लो टेंशन भाई, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर बच्चे लोग टाइम है. अब बताओ मुझे क्या ये नहीं पता या ये नहीं पता या ये नहीं पता. जो बच्चे बिल्कुल ही नए इस वीडियो में हैं उनको शायद पावर का नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे पावर करके दे देता हूँ बच्चों. पावर का एक स्टैंडर्ड मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम. तो मुझे इतना क्या लेना देना बच्चों, ये चैप्टर ही बच्चों एब्स्ट्रैक्ट स्टडी होता है. तो इसका मतलब होगा एम एल टू टी माइनस टू और नीचे एक टी आ जाएगा. काटा पिटी मत करना भाई, ये कुछ ऐसा होगा एम एल टू टी माइनस थ्री और ये टर्म बच्चों आपकी यहाँ पर जाएगी. और रख के सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ आपका ए कितना आ रहा, फिर मैं आपको ए इंटू बी करके दे दूंगा. अगर बच्चों यहाँ पे ए आपको निकालना है तो एक्स की जगह हो जाएगा, एक्स इज अ डिस्टेंस, आई विल बी यूजिंग एल्स टू, पावर वहाँ पे लिखा हुआ है तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री और इस टाइम के लिए बच्चों एक टी आ जाएगा. तो इससे इसको उड़ा दो, टी की पावर 1 है, अलग ब्रैकेट में था ये, अलग ब्रैकेट में है. तो माइनस थ्री प्लस 1 कितना होता है, माइनस टू होता है बच्चों. और आपका ए का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वह आ रहा है एम ऊपर जाएगा तो माइनस 1, एल तो मुझे कहीं से कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है और टी यहाँ बन गया था माइनस टू तो ये हो जाएगा प्लस का 2. उसको डब्बे में डाल दो. अब आपके बच्चों दोनों के दोनों आंसर आधे आधे मिल चुके हैं, लेट मी मार्क देम सेपरेटली. बच्चों एक आंसर आपका ये रहा और एक आंसर आपका ये रहा, लेकिन एग्जामिनर कहता है मुझे ए इंटू बी करके देना है. तो फाइनली आप पता है क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर द डायमेंशंस फॉर ए इंटू बी. ये हो गया बच्चों आपके फोर्थ नंबर की एप्लीकेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला.
तो ए इन टू बी का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, साफ दिख रहा है एल का टू लिखा है, यहाँ पे एल का जीरो लिखा है, और एक जैसा इंसान अपने से इंसान से बात करेगा, मास और टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर एम माइनस वन एल टू और टी टू पार टी बी, मेरा कितना आ रहा है बच्चों टू आ रहा है, इसको नोट कर लो, यही तुम्हारा आंसर है ए इन टू बी। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। कहता है हमसे डायमेंशन बताने बच्चों ए बाय बी के इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जहां पर एफ फोर्स से एक्स डिस्टेंस है और टी यहां पे बच्चों टाइम है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे दिया इसने, ऐसा कुछ भी कर सकता है वो एलजेब्रा के फॉर्म में। तो टू अप्रोच दिस क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये बार बार लिखना है आपको जब तक ये बात दिमाग में नहीं आ जाती। अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ध्यान से देखें यहाँ एक सिंबल है और यहाँ एक सिंबल है, ये दोनों सिंबल डायमेंशंस चेंज नहीं करते हैं, विच क्लियरली मीन्स जो एफ के डायमेंशंस होंगे वो एग्जैक्टली बच्चों ए रूट एक्स के डायमेंशंस होंगे, और वही डायमेंशन आपके पास बी टी स्क्वायर के होंगे। क्लियरली बोल रहा है अपन से ए और बी क्या है, वहाँ पे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है। तो एक बार एफ को इसके साथ कंपेयर करा दो और एक बार एफ को इसके साथ कंपेयर करा दो, आपका काम हो जाएगा। सो लेट मी डू दोस थिंग्स टू टाइम्स। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करूं मैं आपसे, पूछूं बच्चों कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला एफ का अपन जानते नहीं है? बिल्कुल जानते हैं बच्चों, एफ का फॉर्मूला है मुझे ए निकालना है और यहाँ एक्स की पावर में क्या लिखा हुआ है 1/2। तो आप लिख सकते हो यहाँ से जो कुछ भी ए के डायमेंशन आएंगे वो हो जाएंगे एफ डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स के डायमेंशन। सब जानते हो आप जितने बच्चे बैठे हो, इसका आंसर होने वाला है एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा बच्चों x के लिए होता है l, रूट के लिए जाएगा 1/2, जो कि ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस का हाफ बन जाएगा। डायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ढंग से बताओ, तो ये l वाला इस l वाले को जाके परेशान करेगा, निकाल लो ना आंसर, यहाँ पे हो गया m, बताओ कितना होगा, एक में से आधा गया, अरे 1 - हाफ, ये हो जाएगा हाफ टी टू पार माइनस टू, इसको यहाँ छोड़ देना, ये उसने a पूछा था आपसे। चलो बी के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे बी के जो डायमेंशंस होंगे ना बच्चों वो हो जाएंगे एफ डिवाइड बाय टी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर। और आप में से हर बच्चा कह सकता है कि सर आपने याद करने कहा था कि इसका डायमेंशन याद कर लो, दिस शुड बी टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा हाँ, तो माइनस का 2 बनाएगा, विच मीन्स आपका आंसर आना चाहिए एम वन एल वन, और टी माइनस 2 है और ऑलरेडी एक और मुझे माइनस 2 लग जाएगा, तो यहाँ हो जाना चाहिए बच्चों माइनस का 4, और इसको बंद कर लो। अब ए और बी को आपको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनली इफ आई वुड लाइक टू राइट व्हाट कैन बी डायमेंशंस ऑफ ए टू बी, तो देखो ना एक आंसर ये रहा, आप लिख दो उसको फटाफट एम एल 1/2 टी टू पावर माइनस 2, यही है हाँ यही है, ये हो जाएगा एम एल 1 टी टू पावर माइनस 4। तो भैया इससे ही चला गया, अब ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 कहलाएगा, विच मीन्स आपका जो आंसर आना चाहिए मास के लिए 0 और हाफ में से माइनस 1 जाएगा, तो बच जाएगा बच्चों मेरे पास माइनस का हाफ। टी के लिए बात करो ये क्या है, माइनस 4 है, ऊपर जाएगा तो प्यारे बच्चों प्लस 4 नहीं बना लेगा, प्लस 4 नहीं बना लेगा, 4 - 2 2, तो आई शुड बी राइटिंग दिस, इसको बॉक्स में डाल दो प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है। दिस इज एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइन होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशन नंबर 4 जो मैंने आपको आज इस टॉपिक में शुरू करके बताया था। पेपर में कोई भी रैंडम इक्वेशन आती है, जितनी जगह प्लस लिखा है या माइनस लिखा है डाल दो लाइन में, आ गया आंसर। ऑल राइट चलो आगे बढ़ते, वीडियो पॉज कर लिया करो बच्चों, नोट कर लिया करो, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं अपन। ऑल राइट बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है ना परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा, इसका एक लोकेशन बच्चों एक्स वन कहलाएगा, एक क्या हो जाएगा एक्स टू, और यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर कोई एरिया होगा बच्चों इसको ए बोल देना, कुछ पार्टिकल्स यहाँ से क्रॉस कर रहे होंगे,
डिफ्यूज करेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे और दूसरे वाले पार्टिकल पे किसी कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके डिफ्यूज़ करेंगे। ये डिफ्यूजन का क्वेश्चन है और आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ोगे सिलेबस में। इस चैप्टर का डिसएडवांटेज या एडवांटेज ये है कि डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ानी होती, बस आधा आधा लिख दो और बच्चों को बोलो कि डायमेंशन बता भाई तू तो, है ना, क्या फर्क पड़ता है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, सो दिस शुड बी एरिया पे जा रहे हैं इन अ यूनिट टाइम इज गिवन बाय, ये एन बच्चों सबसे ज़्यादा वहाँ नाटक कर रहा है, एन जनरल बच्चों के लिए नंबर होगा, बट इफ यू रीड द क्वेश्चन अगेन इट इज द नंबर पर यूनिट एरिया अगेन इन यूनिट टाइम। सो अगर बच्चों मुझे n को अलग से ही पढ़ाना पड़ गया ना आपको, तो n बताए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये किसी एरिया पर चल रहे होंगे और वहीं पर क्या आ जाएगा टाइम। एंड इफ आई वुड लाइक टू आस्क यू बच्चों इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो क्या बोलोगे, सर जी ये तो परेशान कर गया, नंबर तो निकला ही नहीं है, ऊपर तो नंबर रहेगा लेकिन इसके डायमेंशन आ जाएंगे नीचे एरिया की वजह से L2 और यहाँ टाइम की वजह से बच्चों T का टर्म आ जाएगा और ऊपर की जगह पे मैं M0, L0, T0 ऐसा लिख सकता हूँ। ये देखो कितना नाटक किया इसने, नाम नंबर का है लेकिन आंसर इसका ये सा आ रहा है। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा हो जाएगा बच्चों L2 पावर माइनस टू T2 पावर माइनस वन, ठीक है याद रखना। आगे चलते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन दे रखा है वेयर n1 n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूमेट्रिक रीजन पे जो नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे n1 और क्या हो जाएंगे n2। तो अगर बच्चों मैं आपसे n1 का डायमेंशन या पूछूं n2 का डायमेंशन तो पता है क्या बोलोगे, रीड कर लो ना भाई इसको, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो यू मस्ट राइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना बच्चों, डिवाइड बाय योर वॉल्यूम टर्म, तो ये वॉल्यूम का मतलब होता है L क्यूब, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका L का क्यूब, और x तो बच्चों पोजीशन है। नाउ यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग द डायमेंशंस फॉर d, अब बच्चों अब करो आप अपना सॉल्यूशन सॉल्व। मैं लिखता हूँ यहाँ पे n के जो डायमेंशंस होंगे, यहाँ d के डायमेंशंस होंगे और यहाँ n2 के होंगे या n1 लिख सकते हो, और नीचे बच्चों डिस्टेंस के हैं तो उसकी जगह आप x2 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे भी एक माइनस लगाया और यहाँ भी एक माइनस लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका आंसर आ गया। n के डायमेंशन बच्चों यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेरे साथ साथ चल के लिखवा के बताओ, तो ये हो जाएगा एल टू पावर माइनस टू टी टू पावर माइनस वन, मुझको d पता करना है, और n2 की वैल्यू आ रही है l का क्यूब मतलब एल टू पावर माइनस थ्री, और नीचे आ रहा है बच्चों मेरे पास इसका मतलब ये L आ रहा है, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो बच्चों माइनस वन बनाएगा, तो ये माइनस फोर हो गया, और ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो पता क्या कर लेगा, ये प्लस का फोर बना लेगा। सो अल्टीमेटली आपको जो N मिल रहा है, अल्टीमेटली बच्चों जो आपको D सॉल्व करते मिल रहा है, ये दिख रहा है ये वाला D, तो देखो L2 पर माइनस फोर हो चुका है, वो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का फोर बन जाएगा। सो यू कैन राइट प्लस फोर माइनस टू शुड बी एल टू टी माइनस वन, ये दिखने में बच्चों बहुत सिंपल लगता है लेकिन अगर आपने लैंग्वेज रीड करने में दिक्कत कर दी तो ये आंसर नहीं मिलने वाला। यहाँ देखो ये बन गया माइनस फोर, जब ये माइनस फोर इधर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा ये प्लस का फोर, फोर माइनस टू इज टू और टी एज इट इज रहने देना और ये तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये डिसगाइज कर रहा है आपको, गलती करा रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ऑन द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ऑन द एक्स एक्सिस, और ये आ जाएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का टर्म है, तो अगर इसको अपन समझ गए तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपका ये डायमेंशन आएगा और आप इसको लेफ्ट साइड में रख करके सॉल्व कर पाओगे। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जिसमें किसी डायमेंशनल कॉन्स्टेंट को पढ़ना हो वहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगेगा ही लगेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन में आप लोगों को बच्चों जो गिवन है एक वस्तु ए नॉट, ये एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट की पावर में माइनस ऑफ ए स्लैश करके के बी डॉट टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ऑब्वियसली आप लोगों को बच्चों एक का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो एक बार लिख लेते हैं इसको फटाफट अपन। ये हो गया बच्चों ए इज जनरली रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प ऑसिलेशन, पढ़ोगे आप लोग चैप्टर ऑसिलेशन में।
तो वहाँ से ए एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, ये हो गया शुरुआत वाला एम्पलीट्यूड, वो एक कांस्टेंट रेट से कम होता रहता है और ये रहा उस रेट का एप्लीकेशन, ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। एक्सपोनेंट एक फंक्शन है, उसके जस्ट पहले ये लगा दो और इसके डायमेंशन इसके बराबर होंगे, ये मैंने आपको बता चुका है ना, ये होता है अगर इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो। और पूरी की पूरी ई टू पार एक्स के डायमेंशंस होते हैं एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, आपको बता चुका हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस है तो आंसर सॉल्व करते वक्त यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है ना बच्चों, इसको चुपचाप सजा धजा के आप लोग ये ठीक है क्या कर दिया करो भाई, तू चल मेरे साथ और अपने आप को एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो कर ले। ये होती है थ्योरी बच्चों सॉल्व करने की, कुछ भी आ जाए यहाँ पे अल्फा बीटा फलाना रमेश सुरेश कुछ भी आ जाए आप उसको उठा के ज़ीरो कर देना। इसके बाद ध्यान देना कि इसमें क्या क्या आप जानते हो, हाउ मेनी थिंग्स आर नोन टू यू। तो आज के ही लेक्चर मैंने आपको बताया था बच्चों, ये एक फॉर्मूले में फंस जाता है के बी इंटू टी, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये हो जाता है टी, और वो फॉर्मूला में फिर से लिख दूंगा बच्चों। एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं ना, लेट्स से एनर्जी के डायमेंशंस हो जाते हैं 1/2 के बी इंटू टी का टर्म आता है, हाफ की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो के बी इंटू टी के डायमेंशन किसके बराबर आ गए बच्चों, एनर्जी बराबर आ गए। तो यहाँ से आपके पास ए का टर्म मिल जाएगा सीधा सीधा, इसको मैं एनर्जी लिख सकता हूँ तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ध्यान देना एम एल टू टी माइनस टू, बेसिकली यहाँ पे के माइनस वन लगा रहता है और अगली लाइन में बच्चों आपको के लिख लेना होता है ठीक है। चाहो तो टेम्परेचर के लिए ये कर दो और के बी के लिए ये कर दो, ये भी चल जाएगा। और मल्टीप्लाई में अपने पास ऑलरेडी है एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ए के पास डायमेंशन किसके वाले थे बच्चों फटाफट बोलो। सर ए के पास डायमेंशन एनर्जी के थे, तो ऑप्शन में या तो ये मार्क कर लेना और या तो बच्चों आप एम एल टू टी माइनस टू वाला मार्क कर लेना, दिस थिंग विल सॉल्व पर्पस ओके, हो जाएगा सॉल्व ना। ए मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, ई इज द एनर्जी और ये दोनों के दोनों टर्म बराबर ही बन रहा है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन डायमेंशन की लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, उसके पहले का डायमेंशन तो ऑब्वियसली एल आएगा जो पूछा नहीं जाएगा अपन से, उसके बाद वाले में कुछ ना कुछ तड़ांग तड़ांग करेगा वो और वहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मुझे मालूम है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा एक्सपोनेंशियल पूरी पूरी लॉग सबका आंसर क्या होता है ये, उससे ही मैंने ये लाइन लिखी उससे ये आ गया और एट लास्ट मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में या तो ये मार्क करना होगा या तो ये मार्क करना होगा, या स्ट्रेट अवे सब्जेक्टिव आया तो ये लिख देना, बात खत्म ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपन, फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं सब।